हेलो एवरीवन, वेलकम टू केआरएस सक्सेस शॉर्ट। केआरएस सक्सेस शॉर्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 25, जो कि है आपका एक्सरसाइज 7A से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे कह रहा है 1 cos θ - sin² θ / sin θ इन द ब्रैकेट 1 cos θ = cot θ। ये आपको प्रूफ करना था। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, जो कि आपका दिया हुआ है 1 cos θ - sin² θ / sin θ 1 cos θ। अच्छा, आप सबको ये पता है cos² θ + sin² θ = 1 होता है। आपको ये पता है sin² θ + cos² θ = 1। तो अगर हमें यहाँ पे sin² θ की वैल्यू cos के फॉर्म में लिखनी हो तो हम लिख सकते हैं sin² θ = 1 - cos² θ। तो यहाँ पे sin² θ की जगह हम पुट करते हैं cos² θ / ये हो गया आपका sin θ 1 + cos θ। अब यहाँ से हम लिखते हैं वैल्यू को 1 cos θ - 1 cos²θ / sin θ 1 cos θ। अब यहाँ से ये प्लस वन है और ये माइनस वन है, तो ये आपका हो जाएगा कैंसिल। और जब वो कैंसिल हो जाएगा तो जो वैल्यू हमारे पास बचेगी वो बचेगी cos θ - 1 है, तो ये तो आपका कैंसिल हो चुका है। तो ये हो गया +cos²θ / sin θ 1 + cos θ। अब यहाँ से क्या कर लेंगे, cos थीटा अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ से हमारे पास बचेगा 1 cos θ / sin θ 1 cos θ। यहाँ पे 1 cos θ और 1 cos θ आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो होगी cos θ / sin θ, और ये होता है cot θ। और यही हमें यहाँ पे प्रूफ करना था। ये है आपका राइट हैंड साइड। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 25 ऑफ एक्सरसाइज 7A। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 हम कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 26 का फर्स्ट पार्ट है आपका cosec θ + cot θ / cosec θ - cot θ = cosec θ + cot θ² (2 cot²θ + 2 cosec θ)·cot θ। ये क्वेश्चन आपका CBSE 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए, तीन आपको दिया हुआ है वैल्यूज, लेफ्ट हैंड साइड, मिडिल साइड और राइट हैंड साइड। अब आपको क्या करना है, इन तीनों पार्ट्स को इक्वल करना है। तो या तो हम ये करें कि लेफ्ट हैंड साइड लेके चले और राइट हैंड साइड दिखा दें, मिडिल हैंड साइड लेकर चले या राइट हैंड साइड से प्रूफ कर दें। पहले हम चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड लेकर के। लेफ्ट हैंड साइड आपका है cosec θ + cot θ / cosec θ - cot θ। cosec और cot के लिए हमें एक फॉर्मूला पता हुआ है, वो क्या है कि 1 cot²θ = cosec²θ। यहाँ पे मैंने लिख रखा है 1 cos²θ = cosec²θ। अगर cot²θ को हम इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा cosec²θ - cot²θ = 1। और यहाँ पे जो फॉर्म है वो cosec - cot का ही है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे cosec θ + cot θ से न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसा करने से क्या होगा कि हमें यहाँ पे a - b और a + b मिल जाएगा, और जिसका आपका वैल्यू होता है a² - b² तो ऊपर जो यहाँ वैल्यू हो गई वो हो गई आपकी cosec θ + cot θ² / ये a - b और ये a + b हो गया आपका cosec²θ - cot²θ। ओके, ये आपका इस फॉर्मूले से बना हुआ है, a² - b² = a + b a - b। अब इसकी वैल्यू होती है 1 cosec θ + cot θ / 1, सिंस 1 cot²θ = cosec²θ। अब ये वैल्यू 1 हो गई, तो ये आपकी जो वैल्यू आई वो आई cosec θ + cot θ² ये आपका है मिडिल साइड। ये आपने शो कर दिया है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो मिडिल साइड के इक्वल है। ठीक है, अगर हम मिडिल साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल कर दें तो ये तीनों इक्वल हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं मिडिल साइड लेकर के। ये है cosec θ + cot θ² इसका होल स्क्वायर करेंगे, दैट मीन्स a + b का होल स्क्वायर है, तो ये हो गया
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए इंटू बी। जो राइट हैंड साइड है उसमें ये लास्ट वाली वैल्यू टू कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा है, ये हमें मिल चुका है। अब हमें क्या चाहिए, वन प्लस टू कॉट स्क्वायर थीटा। मेरे पास एक्स्ट्रा यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा को हम कॉट में चेंज कर लेते हैं। चेंज करने का तरीका ये होता है, हमें पता है ये फॉर्मूला है वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह हम पुट कर सकते हैं वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को आप ऐसे ही उतार लेंगे और ये हुआ आपका टू कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। ये हो गया वन प्लस टू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टू कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। ये रहा आपका राइट हैंड साइड का वैल्यू, यानी कि हम लोगों ने जो मिडिल साइड थी उसे भी प्रूफ कर दिया है राइट हैंड साइड के इक्वल। मीन्स कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो मिडिल साइड के इक्वल है और जो मिडिल साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। दैट मीन्स LHS इज इक्वल टू मिडिल साइड इज इक्वल टू RHS, और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था यहाँ पे। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 26 का फर्स्ट पार्ट, आगे देख लेते हैं किसका सेकंड पार्ट हम कैसे करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 26 का सेकंड पार्ट। यहाँ पे दिया हुआ है sec थीटा प्लस tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू sec थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा इंटू tan थीटा। जैसा मैंने 26 का फर्स्ट पार्ट कराया है सेम वैसा ही आपका ये सेकंड पार्ट है, तो मैं ये आपसे कहूँगी कि आप पहले कोशिश करिएगा कि ये आप इस क्वेश्चन को बिना आप इस वीडियो को देखे, बिना किसी सेशन को देखे, आप खुद से अपनी कॉपी पे करने की कोशिश करिएगा और ये क्वेश्चन मुझे पता है कि आप ज़रूर से कर लेंगे। अगर इनकेस आपको कोई दिक्कत होती है तो आप यहाँ से बिल्कुल हेल्प ले लीजिएगा। तो हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 का सेकंड पार्ट। सबसे पहले लेते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड, ये जो वैल्यू दी हुई है sec थीटा प्लस tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, sec थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर चाहिए हमें, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे sec थीटा प्लस tan थीटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने पे जो वैल्यू हमें मिलेगी ऊपर वो मिलेगी sec थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर अपॉन, ये हुआ आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। जो फॉर्मूला होता है हमारा वो होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। दैट मीन्स कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें 1 मिल जाएगी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं sec थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1, और यहाँ पे इसे हम लिखेंगे sec थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर, और जो कि है आपके मिडिल साइड के इक्वल। यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। इसकी वजह से क्या हुआ है, हमने जो वैल्यू यहाँ पे लिखी है वो क्या लिख दी है, 1 लिख दी है। ओके, अब हम क्या करते हैं यहाँ से नेक्स्ट लेके चलते हैं अपना मिडिल साइड। मिडिल साइड को हम दिखाते हैं कि ये राइट हैंड साइड के इक्वल होगा, tan थीटा प्लस sec थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि होगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए इंटू बी। देखिए ये वाली वैल्यू हमें यहाँ मिल चुकी है, हमें चेंज करना है tan में, तो sec स्क्वायर थीटा को हम चेंज करेंगे tan में, तो हमें मिलेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये हमने लिखा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा इंटू tan थीटा। अब यहाँ से ये हो चुका है 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा इंटू tan थीटा, और यही वाली वैल्यू जो है आपको प्रूफ करनी थी यहाँ से, जो कि है आपका राइट हैंड साइड। तो ये हो चुका है आपका क्वेश्चन नंबर 26 का सेकंड पार्ट। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, क्वेश्चंस भी समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।